केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 57% बढ़कर 47 रुपए प्रति किलोग्राम होने के बाद केंद्र ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खुदरा बाजारों में 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री बढ़ाने का फैसला किया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत शुक्रवार को बढ़कर 47 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो एक साल पहले समान अवधि में 30 रुपए प्रति किलोग्राम थी। आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को प्याज की खुदरा कीमत 40 रुपए किलोग्राम थी, जबकि एक साल पहले समान अवधि में यह 30 रुपए प्रति किलोग्राम थी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा, हम अगस्त के मध्य से बफर स्टॉक से प्याज दे रहे हैं और कीमतों में और वृद्धियों को रोकने, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए हम खुदरा बिक्री बढ़ा रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार जिन राज्यों में कीमतों में तेज वृद्धि हो रही है, वहां थोक और खुदरा दोनों बाजारों में बफर स्टॉक से प्याज दिया जा रहा है। अगस्त के मध्य से 22 राज्यों में विभिन्न स्थानों पर बफर स्टॉक से करीब 1.7 लाख टन प्याज दी गई। खुदरा बाजारों में बफर स्टॉक के प्याज को दो सहकारी निकायों, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ की दुकानों वाहनों के जरिए 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। दिल्ली में भी बफर स्टॉक का प्याज इसी रियायती दर पर बेचा जा रहा है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मौसम संबंधी कारणों से खरीफ प्याज की बुआई में देरी के कारण कम फसल हुई और फसल की आवक में दरी हुई। अधिकारी ने बताया कि ताजा खरीफ प्याज की आवक अब एक शुरू हो जानी चाहिए थी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।